जिंदगी में प्रेशर और परफॉर्मेंस, ये दो लफ्ज़ है जो पीछा ही नहीं छोड़ते। स्कूल से जो शुरू होते हैं तो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पर्सनल लाइफ, हर जगह हमें एग्जाम देना होता है। अब इस प्रेशर वाले एटमोसफियर में हम परफॉर्म कैसे करें? सो आई एम गोना टेल यू सम एब्सोल्युटली सिंपल वेज जिससे आप अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। किसी भी एग्जाम से पहले आधे ज़्यादा नर्वसनेस तो ये होती है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे होगा। इससे पहले अगर हम बेसिकली बैठ जाएं और पूरा प्लान करें, डेट वाइज ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को, और उसके बाद कहें भैया हमने बना लिया है ये टाइम टेबल अपना, अब इस डेट तक ये अचीव कर लेंगे, उस डेट तक वो अचीव कर लेंगे। अगर अपना टाइम टेबल हम खुद बनाएंगे तो फिर फॉलो तो करेंगे ही। हम ना हमेशा एक तरफ की प्लानिंग करते हैं। हम कहते हैं अच्छा ये एग्ज़ाम में इसमें अगर हमें इतने मार्क्स आ गए तो हम क्या क्या करेंगे, कौन सा कोर्स लेंगे, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं कि अगर मार्क्स नहीं आए तो हम क्या करेंगे। सो कॉल्ड फेलियर मिली तो उसके बाद क्या करना है, ये भी तो प्लानिंग करनी चाहिए। अभी दोनों प्लानिंग हो जाएगी ना तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हुआ तो ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। सो प्लान कर लीजिए, डिज़ायर्ड रिजल्ट आया तो ये कर लेंगे और डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आया तो ये कर लेंगे। आई नो इट्स क्लीशे बट यार सारा खेल ना एटीट्यूड का है। अगर अपना एटीट्यूड ये रखा कि किसी तरह से एग्ज़ाम निकल जाए, किसी तरह से एग्ज़ाम निकल जाए, तो फिर हम अपने आप पे प्रेशर बढ़ाते ही चले जाएंगे। मगर अगर हम ये सोचेंगे कि यार एमएसी कोई एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ वी लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, तो हमें परफॉर्म करने में मज़ा आएगा और प्रेशर भी उतना नहीं लेंगे हम। ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम, आई रिपीट, कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी और मौत की बात नहीं होती। इट्स नॉट लाइफ और डेथ, और ऐसा हम उसे ट्रीट भी नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ फन थिंग यार, एक मज़ेदार सी चीज़ है जिसको हमें सीरियसली अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो मज़ा आएगा। तो अगर हम इसे फन थिंग की तरह ट्रीट करें, नॉट एज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, आई थिंक प्रेशर जुप से नीचे आ जाएगा और हम परफॉर्म बेटर करेंगे बिकॉज वील बी कॉन्फिडेंट। बहुत सारे फोकस की ज़रूरत है लेकिन आउटकम पे नहीं, जो उससे निकल के आएगा उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस करना है जो हम कर रहे हैं उस पर, अभी जो पढ़ाई की, अभी जो काम किया, अच्छा था कि नहीं अच्छा था, उस पर फोकस करना है। इसके बाद हमें मिलेगा क्या, इस पर फोकस नहीं करना। पता है एक सिचुएशन में ना हमें रिजल्ट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पता है मुझे कि मैंने 100% अपनी मेहनत की है, मतलब इससे ज़्यादा इस टाइम पे ये मेहनत पॉसिबल ही नहीं थी, हाँ शिद्दत से मैंने मेहनत की है, बिल्कुल ऑनेस्टली सब कुछ किया है, तो फिर मुझे रिज़ल्ट से क्या लेना देना। फिर तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए या फिर नॉट सो अच्छा आए, अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो अब जो भी रिज़ल्ट आया है वो अच्छे के लिए आया है। यार समटाइम्स वी डोंट नो कि हमने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, इसमें भी अपना अच्छा होता है। इसलिए बस अपनी तरफ से ऑनेस्टली शिद्दत के साथ मेहनत करनी है, फिर उसके बाद किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी। सो बेसिकली जो मेहनत है वो अपने हाथ में है ना, मेहनत के बाद जो रिजल्ट है वो तो अपने हाथ में नहीं है। दैट्स वॉट वी हैव टू रिमेंबर, आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, बट जो हम इनपुट देंगे, जो हमारी मेहनत है वो हमारे हाथ में है, वो तो पूरा हमारे कंट्रोल में है ना, वो मेहनत हम फुली करेंगे, फिर आउटकम जो भी हो। एंड लिसन, स्लो डाउन, प्रोजेक्ट अगर एक महीने बाद सबमिट करना है 3 दिन में कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी 15 दिन बाद वो जो है एग्ज़ाम है तो 3 दिन के अंदर सिलेबस कैसे ख़त्म करेंगे, इतना प्रेशर खुद पे डाल लेते हैं हम। जस्ट स्लो डाउन, ईट, प्रे, लव, स्लीप, मतलब बहुत सारी ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। अपने बॉडी को रेस्ट देना, अपने माइंड को रेस्ट देना है। जब ऐसा होगा योर माइंड एंड बॉडी बोथ विल परफॉर्म बेटर। सो स्लो डाउन। और लिसन, एक कोई बंदा होना चाहिए जिससे हम सब कुछ शेयर करें, मतलब कि वो हमारा स्ट्रेस लेने के लिए तैयार हो। जैसे अगर मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है या परफॉर्मेंस का ऐसा बटरफ्लाइज इन द स्टमक होता है, मैं अम्मी से बहुत सारी बातें करती हूँ, तो कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके साथ हम अपना स्ट्रेस बांट सकें। बेसिकली उसको कह के रखेंगे कि भैया मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगी तो मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा। तो ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप अपना स्ट्रेस शेयर करें। एंड लिसन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रिजल्ट की वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एग्जैक्टली पता है आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपने बहुत मेहनत की और उस हिसाब से रिजल्ट आ गया तो ग्रेट, और अगर नहीं आया, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मेहनत इस वाले एग्ज़ाम के रिजल्ट में शायद ना दिखी हो, बट ये मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। वेट एंड वॉच।